हिस्टोरियन लिखने वाला ये कहता है कि ये जो पहले अक्टूबर को हुकूमत का ऐलान इन्होंने किया जूनागढ़ वालों ने, तो उससे ये चंद लोग हैं: गुलाम नबी गिलगर, बशीरद्दीन, महमूद अहमद, मुफ्ती जियाउद्दीन और मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी। ये कोई 4-5 लोग हैं, ये लाहौर में मिले पहली तारीख को या दूसरी तारीख अक्टूबर को। उन्होंने कहा कि हम भी अपनी एक अबूरी हुकूमत का ऐलान करते हैं, ठीक है। तो 4 अक्टूबर को इन्होंने फिर रावलपिंडी में ये ऐलान किया। अब सवाल बहुत सारे आते हैं, मैं इसमें क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल से 5 मिनट तो से ज़्यादा मैंने बात कर ली है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल्स में फिलहाल नहीं जाऊँगा, शायद डिस्कशन में ज़रूरत पड़े तो। जो आखिरी इस प्रियम्बल में या इंट्रोडक्शन में जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हरी सिंह इंडिपेंडेंस रखना चाहता था या कायम रखना चाहता था, और जो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक इंडिपेंडेंस कायम भी थी, जब शेख अब्दुल्ला भी इंडिपेंडेंस चाह रहा था, ये अलग बात, ये अलग डिस्कशन है कि नेहरू के साथ और इंडिया के साथ क्या कुछ उसके संबंध थे, फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपस की जो फ्रिक्शन थी, अलग बात है। चौधरी हमीदुल्ला जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सीनियर आदमी था, उसका बयान था गालिबन जून में या जुलाई में, कि उसने कहा कि अगर ये कश्मीर इंडिया के पास जाता है तो मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे, अगर ये पाकिस्तान के पास जाता है तो हिंदू नाराज़ हो जाएंगे, लिहाजा इसका खुद मुख्तार रहना ही बेहतर है, ठीक है। तो उसके अलावा सरदार इब्राहिम की बात, अब ये जो 4 अक्टूबर की जो हुकूमत कायम हुई थी उसमें मिरवाइज यूसुफ शाह भी मौजूद थे, सरदार इब्राहिम भी मौजूद था, ठीक है। बहुत सारे लोग सवाल ये उठाते हैं कि 24 अक्टूबर को इनको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि ये फिर से एक नई हुकूमत कायम करें। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो बनाने वाले थे 4 अक्टूबर को, ये कादियानी थे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जी मतलब उन्होंने इजाज़त नहीं ली थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से, वगैरह वगैरह, ये सब बातें हैं। तो अगर ये जो स्टेक होल्डर्स थे या जो अहम लोग थे हिस्ट्री में उस वक्त, अगर अक्सर ये लोग इंडिपेंडेंस नहीं चाह रहे थे, तो क्या वजह है कि ये पाकिस्तान के पास कुछ हिस्सा चला गया और इंडिया के पास? तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आगे रखे हैं, मुकम्मल मैंने नहीं रखे, क्योंकि अगर मैं मुकम्मल रखूँगा शायद आधा घंटा सिर्फ मैं ही बात करूँगा। तो अगर मैं अपनी राइट से शुरू करूँ, आप फिर अपना तारुफ कराएँ और आपसे आपसे बात कंप्लीट हो गई। हाँ जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। मेरा नाम है और बात हो रही है 4 अक्टूबर 1947 के हवाले से। लेकिन सिर्फ 4 अक्टूबर 1947 के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। लेकिन मैं इसके थोड़े से बैक पे जाना चाहता हूँ कि 1947 से पहले रियासत जम्मू कश्मीर एक अलग मुल्क था, और 1934 में रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए, और फिर 4 साल उस वक्त जो टेन्योर था वो 4 साल का था, और 1938 में दोबारा यहाँ पे इलेक्शन हुए। 75 रुकनी असेंबली थी जो श्रीनगर के अंदर जो पार्लियामेंट थी वहाँ पे लोग बैठते थे उसमें। ये जो हमारा आज़ाद कश्मीर है ये मेरे ख्याल में आज उस वक्त 47 से पहले ये 2.5 जिले थे, आज इसको काट काट के इन्होंने 10 जिला इसके बना दिए। लेकिन ये जो स्ट्रगल थी लोगों की कश्मीरियों की, वो महाराजा के जो उसके पास अख्तियारात थे उनके हवाले से थी। ये नहीं थी कि कश्मीरी जो है वो इंडिया के साथ जाएंगे, पाकिस्तान के साथ जाएंगे, या महाराजा से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि महाराजा जो था वो शहनशाह था। अब लोगों की जो स्ट्रगल थी कि जो हकूक हैं अवाम के वो उस तक पहुंचाए जाएं, क्योंकि असेंबली की शक्ल आने से पहले लोगों के साथ जो महाराजा का बर्ताव था वो रियाया का था, लोग जो थे वो रियाया की स्टेज पे थे, जबकि जो पॉलिटिकल वर्कर थे उस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के तीनों हिस्सों में जो आज की सिचुएशन है उसमें जो पॉलिटिकल वर्कर थे वो ये चाहते थे कि यहाँ की जो अवाम हैं ये शहरी हैं, और इनके ये दर्जा अव्वल के शहरी हैं, और इनके जो हकूक हैं, इनके जो मफादात हैं वो सारे बैलेंस हैं। अब उसी तनाजर में महाराजा ने कुछ अख्तियार जो है कन्वर्ट किए असेंबली को। अब तीसरे जो इलेक्शन हुए वो
जनवरी 1947 में रियासत के अंदर, जिसमें 75 रुकनी काबीना बनी। अब जो क्योंकि अख्तियारात महाराजा के पास थे, लेकिन उसने कन्वर्ट कर दिए थे असेंबली को। अब तीन प्रोसेस में जिस मुल्क के अंदर इलेक्शन हों, वहाँ के लोगों का मेंटल लेवल जो है वो जमहूरी रवायात की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था। अब इसी दौरान हुआ क्या कि जब जनवरी में इलेक्शन हुए, तो इसी दौरान पाकिस्तान 1946 में इलेक्शन हिंदुस्तान में हुए थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो डिवीजन है इसको हमने डिवाइड करना है। तो 1946 में अंग्रेज़ों ने यहाँ इलेक्शन करवाए, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बरतानिया का जो झंडा था वो नहीं लहराया था 101 साल तक। ये जो रियासत थी 565 जो प्रिंसली रियासतें थी उसके अंदर रियासत जम्मू कश्मीर, इसकी शनाख्त, इसकी गवर्नेंस, यहाँ के लोगों के मामलात बिल्कुल डिफरेंट थे। अब बाद लोग जो हैं वो ये जोड़ते हैं इसको जी हिंदुस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। रियासत जम्मू कश्मीर का जो हिस्टोरिकल जो तल्लक है वो वस्त एशियाई रियासतों के साथ था, ना पाकिस्तान के साथ था ना हिंदुस्तान के साथ था। अब इसी दौरान जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान मेरे वजूद में 3 जून 1947 का जब एक्ट बना कि हमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आज़ाद खुद मुख्तार करना है, तो उस दिन से ही रियासत जम्मू कश्मीर जो 565 प्रिंसली रियासतें थीं उनका जो इतलाक था वो उस पर हुआ था, रियासत जम्मू कश्मीर के ऊपर नहीं हुआ था। अब इस दौरान क्या हुआ कि महाराजा के खिलाफ जो स्ट्रगल थी उसमें तेज़ी आई और लोगों ने महाराजा को माजूल कर दिया 4 अक्टूबर 1947 को। जब इन्होंने माजूल किया तो उस वक्त ये गुलाम नबी कलकार और ये यूसुफ शाह फलां फलां जो लोग थे ये सारे इनकी इन्वॉल्वमेंट हुई। 4 अक्टूबर 1947 को इसका जो ये बेस कैंप बना था उसका नाम इन्होंने बेस कैंप रखा था और उसका नाम था जमहूरिया कश्मीर। हमेशा जो मुल्क आज़ाद होता है उसके पीछे जो है वो रिपब्लिक लिखा जाता है, जमहूरिया लिखा जाता है। अब जब ये 4 अक्टूबर 1947 को इन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान किया तो सरदार इब्राहिम साहब जो थे ये महाराजा के एडवोकेट जनरल थे, जिस तरह ये अटॉर्नी जनरल है पाकिस्तान के अंदर श्रीनगर में, जी श्रीनगर के अंदर। अब इन्होंने क्योंकि कायदे आज़म उस दौरान श्रीनगर का इन्होंने 3 माह का विज़िट किया था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपस में चपकलिश थी, तो इन्होंने कायदे आज़म और इनके जो पार्टनर थे इन्होंने जो प्रो पाकिस्तानी लोग थे उनको इन्होंने कुछ मफादात इनको शो किए कि आप जो है पाकिस्तान के साथ इसका आगाज करें।